हेलो एवरी वन अ वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू एम आई ऑडिबल एंड विजिबल गुड इवनिंग एवरी वन कैसे हैं आप सभी फटाफट से एक बारी प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए क्या मेरी आवाज़ आ रही है और मैं प्रॉपरली दिखाई दे रही हूँ एम आई ऑडिबल एंड विजिबल गुड इवनिंग एवरी वन हाव आई यू थैंक यू रिया दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू थैंक यू सो मच हेलो जी सत अकाल कैसे हैं आप सभी हेलो एवरीवन सो आई होप यू आर डूइंग फैंटास्टिक क्लास इलेवेंथ काफ़ी दिनों बाद हम लोग लाइव मिल रहे हैं हेलो गुड इवनिंग गुड इवनिंग फटाफट से आ जाओ क्लास को लाइक एंड शेयर कर दीजिए योर फ्रेंड्स ताकि वो भी आ जाए हेलो जी अगेन अ वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू फटाफट से क्लास को लाइक एंड शेयर कर दो हम लोग लाइव मिल रहे हैं राइट क्लास मैंने भी काफी मिस किया जल्दी जल्दी से आ जाओ ऑल राइट

कि मैम आपने बीच में क्लास क्यों नहीं लिया हमारा लाइव है ना बहुत सारे बच्चे टेंथ की क्लास में आकर मुझे बोलते थे कि मैम आपने इलेवेंथ का लाइव क्यों नहीं लिया क्यों नहीं लिया तो रीजन ये है बच्चों कि ऑलरेडी मैं क्लास इलेवेंथ को बहुत सारा करा चुकी थी आपका पूरा सिलेबस मैं आप लोगों को करा चुकी थी दो दो बार है ना दो बार मैंने आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया था एंड इसीलिए मैंने आप लोगों को थोड़ा सा ब्रेक दिया था मतलब खुद को ही कि ठीक है क्लास इलेवेंथ का कंटेंट काफी मैंने डाल दिया है तो बच्चे उसको देख लेंगे ठीक है इसलिए क्लास नहीं होती थी तो मैं हमेशा बोलती थी कि आप लोग क्लास इलेवेंथ की प्लेलिस्ट चेक करो उसमें आपको डेफिनेटली सारा मटीरियल मिलेगा बट अब से आ, क्योंकि आई नो कि अब आप लोगों के फाइनल एग्जाम्स भी हैं ठीक है थेके? तो अब आपको रेगुलरली चैनल पर यू you नो know, जो क्लासेस हैं क्लास इलेवेंथ का वो मिलेगा आपका इंग्लिश और हिस्ट्री का ओके वॉइस कम आ रहा है गाइज एक बार ही बता दो यार क्योंकि मैं तो पूरा दम लगा के बोल रही हूँ मेरी साइड से वॉइस में कोई प्रॉब्लम नहीं है uh, अगर सारे बच्चों को कम आ रहा है फिर मैं कुछ देखती हूँ तो एक बार प्लीज़ कन्फर्म कर दो हाँ जी तो क्लास इलेवेंथ एक और बात मुझे आपको बतानी थी बट पहले तो मुझे ये देखना है सबका अटेंशन मेरी तरफ है कि नहीं तो एक बार मेरे सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में यस मैम स्पैम कर दो ताकि मुझे पता चल जाए कि क्लास इलेवंथ का पूरा अटेंशन मेरे पर है और फिर मैं आपको वो बात बताऊंगी सारे बच्चे एक बार यस मैम स्पैम कर दो सही है ना वॉइस यार वॉइस सही है यार अपने फोन की वॉल्यूम बढ़ा लो थोड़ी सी ओके okay. ठीक है तो सबका टेंशन है मेरी तरफ मुझे दिख रहा है तो क्लास ट्वेल्थ को भी मैं पढ़ाऊंगी ठीक है मैंने क्लास ट्वेल्थ का थोड़ा कंटेंट डाला था चैनल पे बट फिर हम मिड ईयर में आ गए थे तो इसलिए मैंने नहीं डाला बट आप लोग फिकर मत करो आप लोग अपने फाइनल एग्जाम्स दे दो तो क्लास ट्वेल्थ की इंग्लिश भी आपको इसी चैनल पर मिलेगी ठीक है तो यही मुझे आपको बताना था सो so, आप लोग बिल्कुल बेफिक्र जाओ फॉर योर क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश uh, क्लास ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम्स के लिए बिकॉज आपको इंग्लिश यहाँ पर क्लास ट्वेल्थ की डेफिनेटली मिलेगी नेक्स्ट मंथ से आप लोग देखेंगे कि क्लास ट्वेल्थ का कंटेंट भी चैनल के ऊपर आने लग जाएगा ओके okay? आई होप कि मैंने अभी तक आपके जितने भी क्वेश्चन थे उन सब का आंसर कर दिया है शुरू करें फिर हम आज की क्लास ठीक है जी तो क्लास ट्वेल्थ का हम लोग बहुत जल्दी शुरू करेंगे इस मंथ के बाद हम लोग शुरू करेंगे ओके okay, तो ट्वेल्थ हम लोग काफी मजे से करेंगे इस मंथ के बाद बट इस मंथ क्योंकि बहुत सारे बच्चों का इलेवेंथ का फाइनल एग्जाम है तो अभी अपन उस पर फोकस करते हैं ठीक है ऑल्सो इस क्लास के खत्म होने के बाद आई नीड योर हेल्प हेल्प क्या है कि क्लास का टाइमिंग हमें एक फिक्स करना है कि भाई जब भी क्लास की क्लास हो हो, उसी टाइम पे ठीक है? तो आप लोग मुझे प्लीज बता देना कमेंट सेक्शन में अभी मत बताना क्योंकि अभी क्या है बहुत सारे बच्चे हैं फिर इधर उधर इधर उधर कोई कुछ बोलेगा कोई कुछ तो एक टाइम आप लोगों को मुझे बताना है फॉर योर क्लास इलेवेंथ की क्लासेस के लिए ठीक है अब मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ उन्हीं में से आपको बताना है फोर पी ठीक है या फिर सिक्स पी और या फिर सेवन पीएम इन तीनों स्लॉट में से कोई एक टाइम जो आपको बढ़िया लगे आप लोग मुझे बता सकते हो अभी के लिए इस मंथ के लिए एक और स्लॉट है ट्वेल्व पी का ठीक है केवल इस इस मंथ के लिए फॉर योर फाइनल एग्जाम्स तो आप लोग आराम से अपना सोच समझ के मुझे इस क्लास के बाद कमेंट कर देना ठीक है चलो तो अब हम शुरू करते हैं हाँ ये भी अच्छी बात है कि लाइव पोल हम लोग कर सकते हैं बट पोल में जितने अभी बच्चे वही होंगे ना अभी कुछ बच्चे रिकॉर्डेड भी देखेंगे तो वो भी फिर कमेंट में बता देंगे टाइम ठीक है जी चलो सो so, अभी हम लोग ऑल पोम्स करने वाले हैं अब हमेशा हम लोग क्या करते हैं नंबर वन पोम से शुरू करते हैं इस बार ही हम लोग उल्टा चलेंगे ठीक है लास्ट पोम से हम लोग शुरू करेंगे तो एक बार सारे बच्चे फटाफट -फड़ से स्पैम कर दो हमारी लास्ट पोम कौन सी है क्लास इलेवेंथ के सिलेबस में टोटल पांच पोम है सारी पांचों की पांच मैं आपको आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ ठीक है पांच की पांच मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी बहुत अच्छे से आपका रिविजन हो जाएगा अगर आपको नहीं आता तो आप लोग आज आराम से सीख लोगे रिवाइज कर लोगे हां जी फादर टू सन से हम लोग शुरू करेंगे हमेशा हम लोग फोटोग्राफ से शुरू करते हैं सो आई यू गाइज रेडी शुरू करूं <coughs> अभी प्लीज सारी बातें छोड़ दो मैं ज़्यादा नहीं चिल्ला सकती हूँ अभी अभी मैं थोड़ी बेटर हुई हूँ वरना फिर बीमार हो जाऊंगी ठीक है तो सारे बच्चे प्लीज एक बार ही यहाँ पर ध्यान देंगे एंड अभी क्लास पे फोकस करेंगे फिर हम क्लास के बाद में और बात करेंगे ऑल राइट गाइज सो लेट स्टार्ट दिस अमेजिंग अमेजिंग क्लास ऑल्सो आप लोगों को पता ही है कि यार इस साल मैंने कोई भी पेड बैच नहीं निकाला ठीक है तो केवल एक ही चीज़ है जो आप लोग मेरे लिए कर सकते हो वो है शेयर ठीक तो प्लीज़ आप लोग जितना चैनल को या क्लास को शेयर करोगे उतना मुझे अच्छा लगेगा एंड बेनिफिट होगा हम सबको तो प्लीज जितने भी आपके क्लासमेट्स हैं ना अगर आप लोग अपने क्लासमेट्स के साथ क्लास को शेयर करते हो या उन्हें बताते हो चैनल के बारे में देन तो बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा एंड क्लास ट्वेल्थ भी फिर मैं आपको प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैं आपको पूरा साल फ्री पढ़ाऊंगी बट ये प्रॉमिस मैं सिर्फ तभी कर रही हूँ जब आप लोग सबके साथ क्लासेस को और चैनल को शेयर करोगे ठीक है ओके okay. चलो शुरू करते हैं फादर टू सन तो सबसे पहले आपको याद रखना है लिखा किसने है एलिजाबेथ जेनिंग्स ने इस पोम को लिखा है ठीक है पेपर पर्सपेक्टिव से केवल आपको यही याद रखना है और क्लास इलेवेंथ को सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग पोम भी यही लगती है उसका रीजन भी मैं आपको अभी आगे बताने वाली हूं ठीक क्यों आपको कंफ्यूजिंग लगती है क्योंकि हर कोई आपको यूट्यूब पर भी अगर आप देखोगे तो आपको मैंने पहले भी बताया लोग अलग अलग एक्सप्लेनेशन देते हैं ठीक है तो मैं आपको दोनों ही चीजें एक्सप्लेन करूंगी फिर आप मुझे कमेंट में बताना आपकी स्कूल वाली टीचर ने ए एक्सप्लेनेशन को चूज किया या बी को तो आपको पेपर में ऑब्वियसली पेपर आपकी स्कूल टीचर चेक करेगी तो उसके अकॉर्डिंग ही आंसर कर करके आना ठीक है सो तो शुरू करते हैं फादर टू सन हमारी पोम को अब ये एलिजाबेथ जेनिंग ने लिखा है नंबर वन और ये जो पोम है ना दिस इज अबाउट एंग्विश ऑफ अ अ फादर हु हैव गुड रिलेशनशिप विद हिज सन अब आप लोगों को भी पता है यार जैसे जैसे हम लोग लाइफ में बड़े होते हैं ना एक कम्युनिकेशन गैप आ जाता है हमारे और हमारे माँ बाप के बीच में ये तो आप भी एग्री करोगे मतलब एक तरीके से हमें पता होता है कि भाई हमारे बेनिफिट के लिए हमारे माँ बाप बोल रहे हैं बट फिर भी कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन गैप आता है येस और नो आप अपनी हर बात जाके उनसे शेयर नहीं कर सकते है ना आपको वो कंफर्टेबिलिटी फील नहीं होती कि मैं हर बात जाऊं और अपनी मम्मी को या अपने पापा को जाकर बता दूं। राइट right, तो जो पेरेंट साइड है उन्हें भी ये चीज़ फील होती है, है तो मजबूरी के, के, पूरी के, के बारे में है कि कैसे उनके जो रिश्ते हैं उनके बेटे के साथ वो अच्छे नहीं है उनका बेटा अब एक बड़ा हो गया है एंड वो अपनी खुद की लाइफ में बिजी हो गया है तो बचपन जैसा रिलेशनशिप ये लोग शेयर नहीं कर पा रहे हैं अब फादर जो है वो जनरेशन गैप को लेके बहुत ही ज्यादा नाखुश है उन्हें अपने बेटे से कहीं ना कहीं एक फीलिंग ऑफ सेपरेशन फील होता है दूर दूर फील होता है वो अपनी फीलिंग को शेयर करते हैं ये बोलकर कि him, कि ही नो मच अबाउट हिम मैं मेरे बेटे के बारे में इतना नहीं जानता है ना कि भले ही वो मेरा बेटा है मैंने उसे जन्म दिया है बट मैं उसको इतना नहीं जानता हूँ ठीक है एंड अंडरस्टैंडिंग का हमारे बीच में कोई साइन नहीं है एक होता है ना एक रिश्ते में एक अंडरस्टैंडिंग होती है वो हमारे बीच में है ही नहीं ही रिलेशनशिप टू बी जस्ट लाइक हिज सन अ चाइल्ड तो फादर चाहते हैं कि मेरे बेटे के साथ मेरा रिश्ता बिल्कुल वैसे ही हो जाए जैसे बचपन में था ठीक है जैसे जब वो छोटा था मैं उसको घुमाने ले जाता था वो मेरा हाथ पकड़ के खेलता था तो बिल्कुल वैसा ही हम लोग बॉन्ड शेयर करें सो ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट वो अपना बेस्ट दे रहे हैं कि वो प्रॉब्लम्स जो उनके बीच में है जो भी गैप है उसको सॉल्व करें बट उनके सारे एफर्ट्स कहीं ना कहीं वेस्ट हो रहे हैं सो देयरफॉर दे आर ड्रिफ्टिंग अपार्ट वो अलग-अलग हो रहे हैं सो अब हम शुरू करते हैं पोम को ध्यान से समझना लाइन बाय लाइन नीचे मैंने एक्सप्लेनेशन भी लिख दिया है ये सारी की सारी स्लाइड्स मैं आपको क्लास के बाद टेलीग्राम पे दे दूंगी टेलीग्राम का लिंक पहले नंबर पे है डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में पहले नंबर पर लिंक है ज्वाइन कर लो ये दे दूंगी मैं ताकि कभी भी आपको आगे भी रिविजन करना हो एग्जाम से एक रात पहले तो फटाफट से पढ़ के चले जाओ ठीक so है, so है? है आई है यहाँ पे फादर ठीक है फादर क्या बोल रहे हैं बोल रहे है भाई देखो मैं इस बच्चे को नहीं समझ पा रहा हूँ ठीक है मैं जितनी कोशिश कर लू मैं इस बच्चे को नहीं समझ में पा, नहीं समझ पा रहा हूँ दो वी टूगेदर नाउ इन द सेम हाउस के हम लोग इतने सालों से एक ही घर में रह रहे हैं एक घर में रहने के बावजूद मैं इस लड़के को नहीं समझ पा रहा हूँ आई नो नारे में कुछ भी ज्यादा नहीं जानता हूँ सो ट्राई टू बिल्ड अपनशिप फ्रॉम हाउ ही वॉज वेन स्मॉल तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ उससे ऐसा रिश्ता बनाने की कैसा रिलेशनशिप कैसा रिश्ता जब वो स्मॉल था जब वो छोटा था ठीक है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ उससे रिश्ते सही करने की और एक ऐसा रिश्ता बनाने की जब मेरा बच्चा छोटा था और जब हमारा वो रिश्ता था ठीक है क्लियर सो यहाँ पर भी एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है देख लेते हैं इन दी अब स्टैंडा पोइट शेयर कर रहे अपनी फीलिंग अबाउट हिज रिलेशनशिप विद हिस्स वो बोलते हैं दैट दे बोथ हैड टुगेदर इन द सेम हाउस कि इतने सालों से हम लोग सेम घर में हैं बट तब भी मैं मेरे बेटे को नहीं समझ पा रहा हूँ

तो यहाँ पे आप देखोगे लास्ट स्टैंडा पे एंड कहां पर हो रहा है येट हैव आई किल वो बोल रहा है क्या मैंने ही मार दिया उस बीच को जो मैंने ही बोआ था कहने का क्या मतलब है एक फार्मर होता है वो अलग अलग सीड्स को ग्रो करता है राइट बोता है उन्हें तो वो बोल रहा है जो उसको मैंने ही जन्म दिया था क्या मैंने ही उसे मार दिया कहीं मैंने ही उसे खो दिया कहीं मेरी गलतियों की वजह से वो अलग हो गया

ट वट ही क्वालिटीज है ना वो बहुत डिफरेंट है, जो उसको पसंद है मैं वो समझ नहीं पा रहा हूं जो उसके इंटरेस्ट है पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा हूं इतना समझ में आया गाइस इज दैट क्लियर एम आई क्लियर ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं silence surround us अब यहाँ पर क्या लिखा है लिखा है कि जब भी हम एक साथ बैठते हैं तो हम पे बात करने के लिए कुछ भी नहीं होता पूरी जगह सिर्फ क्या होता है सन्नाटा केवल साइलेंस ही साइलेंस होता है आई वुड हैव हिम प्रोजिगल अब देखो यहाँ पे प्रोजिगल का वैसे तो मतलब होता है कि मनी स्पेंड करना फ्री मैनर में ठीक है बट अगर आप एक सन के टर्म्स में देखोगे ह्यूमन के टर्म्स में देखोगे सो प्रोजिगल इज जो बच्चा अपनी मम्मी पापा की मंजूरी के बिना कुछ करने बाहर चला गया हो फिर लौट आया हो इस टाइप से तो वो बोल रहा है कि भले ही मेरा बच्चा चला गया हमारी यू नो मंजूरी के बिना और अब वो वापस आ गया रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस द होम ही न्यू जिस घर को वो जानता है रेदर देन सी हिम मेक एंड मूव हिज वर्ल्ड कि भाई मैं उसे माफ कर दूंगा मैं नहीं चाहता कि वो अलग से जाए और अपना एक घर बसाए है ना जिस घर को वो जानता है हमारे साथ मैं चाहता हूँ वो कहाँ पे रहे हमारे साथ ही रहे ऑल राइट आई वुड फॉर गिव हिम टू मैं उसे माफ कर दूंगा शेपिंग फ्रॉम सोरो न्यू लव शेपिंग फ्रॉम सोरो मतलब शायद वो मेरे पास बैठे अपना दुख बताए एंड वो मैं उसे अपनी प्रॉब्लम बताऊँ और उस सैडनेस से हमारा एक नया बॉन्ड क्रिएट हो एक नया लव क्रिएट हो क्लियर ओके ऑल राइट So basically, यहाँ पर उसके पापा को नहीं चाहिए कि वो बाहर जाकर अपना एक अलग वर्ल्ड कर ले है ना ही ठीक है उसने कुछ पास्ट में गलतियां करी एम रेडी टू फॉर गेव हिम आई एम रेडी टू मेक अ न्यू रिलेशनशिप मेक अ न्यू बॉन्ड बट मैं चाहता हूँ कि वो वापस आए और यहाँ पर जिस घर में वो बचपन से रहा है जिस घर को वो जानता है वो वहीं पर रहे ठीक है अब आगे देखो father and son we both must live on the same globe and on the same land तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि देखो हमें सेम ही दुनिया में रहना है है ना सेम ही धरती पे रहना है, इधर ही रहना है हमें उसे भी और मुझे भी यानी कि फादर को भी और सन को भी दोनों को रहना तो इसी दुनिया में है है ना ही स्पीक्स आई कैन नॉट अंडरस्टैंड अब यहाँ पे क्या है कि भाई वो बात करता है मैं कुछ भी समझ नहीं पाता हूं माय सेल्फ Why anger grows from grief? और ना मैं ये समझ पाता हूँ कि क्यों मेरे अंदर का जो गुस्सा है वो ग्रो हो रहा है कहाँ से आ रहा है ये गुस्सा सैडनेस से कभी कभी होता है ना हम बहुत सैड होते हैं और वही सैडनेस हमारी गुस्से में बदल जाती है राइट right? तो वो यही बोल रहा है नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ माई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ उट एन एम्टी हैंड के हम दोनों ही एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाते हैं एक दूसरे को फॉरगिव करने के लिए लॉन्गिंग फॉर सम थिंग टू फॉरगिव लॉन्गिंग मतलब desire, इच्छा, हम दोनों ही एक को फॉरगिव करना चाहते हैं हाथ बढ़ाना चाहते हैं बट नथिंग सीम्स टू वर्क ठीक है तो एक तो इस टैंजा की ये एक्सप्लेनेशन है और एक और एक्सप्लेनशन है जिसमें कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि ही स्पीक्स मतलब यहाँ पे बेटे ने पहली बार अपना मुंह खोला है पूरी पोम में और एक्सप्लेन करा है उनके बीच का डिस्टेंस ठीक है वो बोलता है कि मैं अपने लाइफ के एक ऐसे पॉइंट पे हूँ जहां पर मुझे खुद नहीं पता कि मैं कब गुस्सा हो जाता हूँ क्यों गुस्सा हो जाता हूँ ये चीज मुझे खुद नहीं पता तो दोनों ही जगह पे सेम फ्रस्ट्रेशन है दोनों ही जगह पर आप बोल सकते हो कि सेम गैप है एंड येट दे कैन नॉट फाइंड अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम ठीक है तो अब आपकी टीचर ने दोनों में से जो भी एक्सप्लेनेशन के साथ वो आगे गई हूं आप उस हिसाब से अपने आंसर को बिल्ड कर सकते हो क्लियर ऑल राइट सो आई होप कि ये वाली पोम हमें क्लियर है फादर टू सन अब हम लोग चलेंगे चाइल्डहुड वाली पोम पे तो सारे बच्चे फटाफट फड़ से मुझे कॉमेंट करके बताएंगे कि येस मैम फादर टू सन क्लियर ओके अब हम चल रहे चाइल्डहुड चाइल्डहुड अगेन बच्चों एक ऐसा फेज है जो हम सबको बहुत याद आता है आता है कि नहीं मैम फर्स्ट एक्सप्लेनेशन वॉज गिवेन बाई माई टीचर हाँ सो यू गो विद दैट ओके सो चाइल्ड हुड बच्चो बचपन एक ऐसा फेज है जो हम सबको याद आता है राइट right, अभी आप खुद बचपने में हो बट स्टिल वो जो यू you नो know, छोटी छोटी मोमेंट्स है छोटी छोटी यादें बेपरवाह होना वन टू थ्री पढ़ना टू का टेबल पढ़ना गलियों में खेलना आइस वाटर खेलना छुपन छुपाई खेलना हाँ लाइट चली जाती थी तो सारे गली में आकर छुपन छुपाई खेलते थे वो गर्मियों में अपने दोस्तों के साथ आइसक्रीम खाना राइट right? स्कूल से छुट्टी होते ही सोनपरी देखने आना

ठीक है सो चाइल्ड हुड इज रिटन बाई मार्क्स नीटन इन दिस पोम द पोइट थिंग्स ओवर हिज लॉस्ट चाइल्ड ठीक है अगर कई बार थीम भी पूछ लेते हैं कि भाई इसमें बात क्या हो रही है तो आपको पता होना चाहिए कि इस पोम के अंदर पोइट ने बात करी है लॉस्ट चाइल्ड की उस बचपने की जो कहीं खो गया है He wonders about the moment where he lost his innocence and realized that world is not what he seemed to be.

अब हम क्या करते हैं हम अपनी अच्छाई के साथ दुनिया में पहला कदम रखते हैं जाते हैं पहली जॉब करते हैं या पहला कुछ कोर्स ज्वाइन करते हैं कुछ भी करते हैं वहां पर जाकर हम सबसे अच्छे से दोस्ती करते हैं अच्छे से प्यार करते हैं लेटर इन लाइफ हमें समझ में आता है यार ये तो वैसा है ही नहीं तो हम लोग हमेशा बचपने में ही होते हैं तब तक जब तक हमें इस दुनिया से लात नहीं पड़ती तो यहाँ पे पोइट क्या कर रहा है उसी मोमेंट को ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि कब ऐसा हुआ जब मुझे पता चल गया कि ये दुनिया वैसी नहीं है जैसा मैं सोचता हूं और कब मेरा बचपना चला गया ठीक है चलो He recalls when his thoughts changed. वो याद करने की कोशिश करता है कि कब मेरे thoughts बड़े हुए change हुए है ना कब मुझे लोगों की hypocrisy यानी कि ढोंगीपन का पता चला और finally वो अभी हम देखेंगे poem के end में उस आइडिया पे जाके सेटल हो जाता है कि शायद मेरा चाइल्डहुड कहीं खो गया है दोबारा वो नहीं आ सकता मैं केवल उसको एक न्यू न्यूबॉर्न बेबी के फेस पर ही देख सकता हूं उस इनोसेंस को ठीक है जी चलिए शुरू करते हैं सो लिखा है व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो सो इन द अबव लाइंस हम लोग क्या देख रहे हैं पोइट सोच रहा है ही वंडर्स कि मेरा जो चाइल्डहुड है वो कहां पे चला गया was it the day i ceased to be 11 ceased मतलब एंड होना किसी चीज का खत्म होना तो वो खुद से पूछ रहा है कि जिस दिन मैं 11 साल में पूरा हो गया है ना मैं 12th ईयर में लग गया क्या उस दिन मेरा चाइल्डहुड खत्म हो गया was it the time i realized that hell and heaven could not be found in geography या वो वो दिन था जब मुझे रियलाइज हुआ कि इस दुनिया के लोग स्वर्ग और नर्क की बात करते हैं बट ऐसी जगहें तो ज्योग्राफी बुक्स में है ही नहीं ठीक है तो वो बोलते है कि क्या वो वो दिन था कि जब मुझे रियलाइज हुआ कि ना तो मैप पर है ना एटलिस्ट में है ना जोग्राफी बुक्स में है तो हेल और हेवन तो एग्जिस्ट ही नहीं करते एंड देर फॉर कुड नॉट बी वॉज दैट द डे तो वो बोलता है कि ये तो मुझे क्या तब मेरा बचपना खत्म हुआ जब मुझे रियलाइज हुआ कि ये सब इमेजिनरी प्लेसेस है ठीक है सो पूरे स्टैंजा में वो खुद से पूछ रहा है कि मेरा चाइल्डहुड कब खत्म हुआ आगे चलते हैं दोबारा से वो सेम क्वेश्चन पूछ रहा है व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो कि मेरा चाइल्डहुड कब खत्म हुआ वाज इट द टाइम आई रियलाइज दैट एडल्ट्स वर नॉट ऑल द सीम टू बी क्या वो उस टाइम खत्म हुआ जब मुझे रियलाइज हुआ कि ये बड़े लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं है जो एडल्ट्स हैं जो हमें अच्छी शिक्षा देते हैं जो हमें बोलते हैं प्यार से रहो हना ये मत करो वो मत बट वो खुद वैसे नहीं है दे टॉकड ऑफ लव एंड प्रीज ऑफ लव प्यार की बातें कर रहे हैं हमें भी सिखाते हैं प्यार से रहो बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली दैट द डे बट वो खुद इतने प्यार से किसी से बात नहीं करते खुद वो हिपोक्रेट है ठीक है, दोगले है. तो क्या वो वो दिन था तो अब वो इस में खुद से पूछ रहे हैं ये नीचे मैं दोबारा बोल रही हूँ कि मैंने एक्सप्लेनेशन लिखी है कि कभी आपको रिवाइज करना हो आप कर लो तो मैं ये आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी ठीक है क्लियर तो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि भाई डबल फेस एडल्ट्स के बारे में जब मुझे पता चला क्या वो वो दिन था फिर वो दोबारा बोल रहा है व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो कब मेरा चाइल्डहुड खत्म हुआ वाज इट व्हेन आई फाउंड माय माइंड वाज रियली माय यानी कि क्या वो वो दिन था जब मुझे मेरी इंडिविजुअलिटी का रियलाइजेशन हुआ कि मैं एक इंडिविजुअल हुआ बच्चा बचपन में क्या होता है बहुत लोग आकर हमारा ब्रेन वॉश करते हैं यस और नो के भाई तू ये कर ले ऐसे कर ले वो कर ले वो ये कर ले. हमारे ले, हमारे बड़े लेते हैं बट जब हम अडल्ट हो जाते हैं तो हम हमारे डिसीजन खुद लेते हैं तो वो बोल रहे क्या वो वो दिन था जब मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि मेरा जो दिमाग है वो खुद मेरा ही है टू यूज विच एवर वे आई चूज और मैं जैसे चाहूँ वैसे अपने दिमाग को यूज कर सकता हूँ Producing thoughts that were not those of other people, but my own and mine alone. बार बार बोल रहा है कब मेरा चाइल्ड खत्म हुआ अब वो बोल रहा है क्या वो वो दिन था जब मुझे रियलाइजेशन हुआ की मेरा दिमाग मेरा खुद का है और मैं जैसे चाहूं इसे यूज करूं या मैं मेरे थॉट्स को जहां लगाना चाहूं मैं वहां पे लगा सकता हूं आई एम नॉट बाउंड बाय तो क्या ये वो दिन था जब मुझे मेरी इंडिविजुअलिटी का और एक सेपरेट पर्सनालिटी का कि मैं एक अलग पर्सनालिटी हूं मैं अलग डिसीजन ले सकता हूं क्या मुझे इस चीज का रियलाइजेशन हुआ ठीक है अब आगे देखते हैं लास्ट में उसने वैन की जगह बोला है वेयर अभी तक वो बोल रहा था कब खत्म हुआ कब खत्म हुआ वेन अभी वो क्या बोल रहा है वेयर वेर डिड माय चाइल्डहुड गो कि आखिरकार मेरा चाइल्डहुड गया तो गया कहाँ मेरा बचपन गया तो गया कहाँ इट वेंट टू सम फॉगोटेन प्लेस और वो इस बात के साथ पीस बना लेता है कि शायद मेरा जो बचपना है ना वो कहीं चला गया है कहीं खो गया है और वो अब वापस नहीं आ सकता ठीक है दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट और वो मुझे कहा दिख सकते हैं इन्फेंट मतलब न्यू बॉर्न बेबी अब केवल अगर मुझे वो बचपने में जो इनोसेंस होती है जो प्योरिटी होती है है ना जो हिपोक्रेसी नहीं होती अगर वो मुझे देखना है तो वो मुझे केवल और केवल एक न्यू बॉर्न बेबी के फेस में ही दिख सकता है दैट्स ऑल आई नो क्लियर एवरी वन समझ में आया चलिए सो आई होप दिस पोम इज ऑल्सो क्लियर एक बारी यस मैम कमेंट कर देना नाउ विल बी मूविंग टू द थर्ड पोम जो कि है आपकी द वॉइस ऑफ़ द रेन ठीक है जी शुरू करते हैं सो द द वॉइस ऑफ़ रेन वॉल्ट विटमैन ने लिखी है एंड ही वाज एन अमेरिकन पोइट आपको याद रखना है ठीक है पोइट का नाम इज वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है कि वॉल्ट विटमेन ने इसको लिखा है अब इस पोम में ना रेन और म्यूजिक का कंपैरिजन किया गया है ठीक है किस-किस का तुलना किया है किस-किस का कंपैरिजन किया है रेन और म्यूजिक का रेन एंड म्यूजिक आर कंपेयर्ड टू ईच अदर बोथ ऑफ देम राइज़ फ्रॉम देयर सोर्स अभी कैसे ये हम देखेंगे कि दोनों ओरिजिनेट करते हैं बीच का अपना पर्पस फिल करते हैं और फिर अपने सोर्स पे आ जाते हैं ठीक है अब इस बात का क्या सेंस है क्या लॉजिक है ये हम लोग यहां पर इस कविता में देखने वाले हैं सो so, शुरू करते हैं बच्चों प्लीज Uh, ध्यान से समझना ठीक है लिखा हुआ है अब इसका क्या मतलब है सबसे ऊपर आप लोग देख सकते हो ये लाइन लिखी हुई है Who are इसका क्या मतलब है मैंने साइड में भी लिखा है ठीक है येलो बॉक्स में वर्ड मीनिंग्स लिखे हुए हैं क्या लिखा है हु आर यू आई सेट टू सॉफ्ट फॉलिंग शार सॉफ्ट फॉलिंग शार मतलब रेन तो पोएट बोल रहे हैं कि तुम कौन हो मैंने रेन से पूछा रेन तो हमारा आंसर नहीं करती रेन तो हमें जवाब नहीं देती राइट तो वो बोल रहे बड़ी सी बात है कि रेन ने जवाब दिया जो मैंने आप लोगों के लिए ट्रांसलेट कर दिया है आई एम दी पोम ऑफ दर्थ रेन क्या बोल रही है रेन बोल रही है कि मैं इस अर्थ की क्या हूँ एक प्यारी सी कविता हूँ आई एम दोम ऑफ दी अर्थ सेट दॉइस eternal eternal मतलब नेवर एंडिंग जो कभी खत्म ना हो ठीक है तो मैं क्या हूं मैं तो कभी खत्म नहीं होती eternal i rise impalpable मतलब क्या है व्हिच कैन नॉट बी डिस्क्राइबड साइड में लिखा है जिसे बताया नहीं जा सकता आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी कि एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है एक नेवर एंडिंग साइकिल है वाटर साइकिल के बारे में सबने पढ़ा है ना साइंस में तो एक नेवर एंडिंग साइकिल है जो चलती रहती है चलती रहती है जिसे डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता तो मैं लैंड से राइस करती हूँ है ना कौन सी दो जगहों से मैं राइस करती हूँ लैंड और बॉटम सी से बॉटम क्यों बोला है क्योंकि समुद्र बहुत गहरा होता है ठीक है तो मैं समुद्र से और लैंड से ओरिजिनेट करती हूँ और एक प्रोसेस है ये पूरा जिसे वाटर साइकिल बोला जाता है जिस प्रोसेस को डिस्क्राइब करना क्यों होता है ये बहुत मुश्किल है ये यहाँ पर बोला गया है क्लियर ठीक है और मैं राइस करती हूँ कहाँ से बॉटमलेस सी और लैंड से इन द फॉर्म ऑफ वेपर ठीक है भाप बन के मैं क्या करती हूँ ऊपर जाती हूँ अब आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है अपव टू हेवन वेंस वेंस मतलब क्या है वेयर नीचे भी लिखे हुए वर्ड मीनिंग वेगली मतलब नॉट क्लियरली तो मैं ऊपर जाती हूँ ऊपर मतलब आसमान में जाती हूँ जहां पर नॉट क्लियरली क्लियरली नहीं दिखाई देता है कि कैसे बन रहा है बट मैं अपना फॉर्म चेंज कर लेती हूँ है ना तो वेपर के फॉर्म में जो पानी है भाप है वो ऊपर जाता है और वहां जाके वो अपना फॉर्म चेंज कर लेता है

To leave, leave, मतलब wash, क्या करती हुँ? जितना भी सूखा पड़ा होता है उसे खत्म करती हूँ डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब इस ग्लोब से जो डस्ट लेयर्स है उन्हें मैं हटाती हूँ एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर ओनली लेटेंट अनबॉर्न लेटेंट मतलब हिडन जो छुपी हुई है ठीक है तो बेसिकली यहाँ पर क्या लिखा है कि मैं ऊपर जाती हूं, जहां पर वेगली मतलब क्लियरली तो दिखाई नहीं देता बट मैं मेरा फॉर्म चेंज कर लेती हूँ फॉर्म चेंज करने के बावजूद मैं तो मैं ही रहती हूँ फिर मैं नीचे आती हूँ और वॉश करती हूँ जितना भी सूखा पड़ा है जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स है जितने भी डस्ट लेयर्स है है ना और जो इस अर्थ के अंदर जो भी सीड्स है लेटेंट मतलब अनबॉर्न हिडन जब पे पानी बढ़ता है तभी तो वो पेड़ बन के उगता है ना वरना तो वो नीचे ही दबा रहता है सीड राइट तो वो बोलती है कि मैं उन सीड्स को पानी प्रदान करती हूँ समझ में आया ये वाला सभी को एक्सप्लेनेशन मैंने इधर लिखा भी हुआ है कि जो अर्थ के अंदर सीड्स है वो उसको पानी प्रदान करती है ताकि वो ग्रो करे इन टू अ प्लांट क्लियर तो वो लाइफ प्रदान करती है एक तरीके से सीड्स को अब आगे क्या हुआ एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट और ये प्रोसेस जो है वो फॉर एवर चलता है कि मैं मैं क्या करती हूँ भाप बन के ऊपर गई फिर मैं बारिश के फॉर्म में नीचे आ जाती हूँ लैंड पे आ जाती हूँ समुद्र में चली जाती हूँ यानी कि ओरिजिन मतलब वो जगह जहाँ से मैं निकली थी तो जिस सोर्स से मैं निकली थी उसी पे मैं वापिस आ जाती हूँ क्लियर एंड मे प्योर एंड ब्यूटिफाई को क्या कर देती हूँ जैसे एक गाना होता है एक सॉन्ग होता है वो क्या करता है अपने बर्थ प्लेस से मान लो मैंने एक गाना गाया है ना तो मैं हो गई उसकी ओनर तो वो मेरे दिल से वो गाना निकला मैंने आप लोगों को गाना सुनाया आफ्टर फुल वो जनता तक गया उसे बहुत प्यार मिला क्रिटिसिज्म मिला जो भी मिला गाने का जो मकसद था कि मैं दुनिया में खुशी वो मकसद वो पूरा करता है एंड मतलब इधर उधर जाता है पूरे दुनिया में जाता है रेक्ट और इसका क्या मतलब है चाहे फर्क पड़े या ना पड़े वेदर केयर्ड और नॉट केयर्ड फॉर इट ड रेन नॉट द पोइट इफ समू द रेन और नॉट कि रेन को फर्क नहीं पड़ता कोई उसके काम देख रहा है कि नहीं वो तो अपना पर्पस फुलफिल करती है वैसे ही गाने को सॉन्ग को पोम को फर्क नहीं पड़ता कोई उसको सुन रहा है कि नहीं वो अपना पर्पस फुलफिल करती है एंड पूरे प्यार के साथ ड्यूली विद लव वापस आ जाती है अपने सोर्स के पास क्लियर गाइस इज इट क्लियर एक और बार मैं ये वाला स्टैंडा यहां पर आपको समझा देती हूँ तो लिखा क्या है द रेन सेज दैट बाय डे एंड नाइट के भाई रात दिन में क्या करती हूँ ये प्रोसेस चलता रहता है मैं लाइफ केयर एनरिचमेंट वाटर प्रदान करती हूँ टू द प्लेस फ्रॉम वेयर इट ओरिजिनेटेड से मैं गई थी है ना लैंड से और बॉटमलेस सी से इस अर्थ से मैं ऊपर गई थी और वहीं पे मैं नीचे दोबारा इन द फॉर्म ऑफ रेन वापिस आ जाती हूँ एंड मैं क्या करती हूँ ब्यूटिफाई करती हूँ इस अर्थ की प्योरिटी को मैं बढ़ाती रहती हूँ एक लाइफ साइकिल मेरा चलता रहता है अब रेन को सॉन्ग से कंपेयर किया गया है कि जो सॉन्ग है वो भी अपने ओनर के दिल से निकलता है जस्ट लाइक द द द हार्ट ऑफ़ सिंगर एंड टू फुलफिल अर्थ नीड एंड सब में जाता है प्यार मिलता है प्यार के फॉर्म में वो सॉन्ग वापस लौट आता है वैसे ही रेन भी क्या करती है अपना पर्पस फुलफिल करती है अर्थ पे और वापस लौट आती है

दिस इज द फोर्थ पोम फिर हम लास्ट पोम करेंगे या फोटोग्राफी एक और वीडियो में मैंने आपको पूरा का पूरा पांचो पोम का जो थीम है ना वो बताया हुआ है और सेंट्रल आइडिया आप टाइप करोगे ना सेंट्रल आइडिया ऑफ ऑल द क्लास इलेवेंथम तानिया मैम तो आपको ऊपर ही दिख जाएगी वो वीडियो उस वीडियो में मैंने आपको पूरी की पांचों की पांच पोम का सेंट्रल आइडिया और थीम बताया हुआ है ठीक है चलो अब चलते हैं दी लेबरनेम टॉप पे इसे टेड ने लिखा है तो प्लीज इस बात को आप लोग याद रखिएगा अब यहाँ पे लेबरनम टॉप जो है लेबरनम एक तरीके का पेड़ होता है ठीक है लेबरनम टॉप एक रीपेइंग रिलेशनशिप के ऊपर है रीपेइंग मतलब दोनों तरफा जो चीज चल रही है ठीक है तो ये एक रिश्ते के बारे में एक रिलेशनशिप के बारे में है किसका रिश्ता एक तो लेबरनम ट्री जिसे अमलताज भी बोलते हैं इस तरीके का पेड़ होता है आप लोग देख सकते हो ठीक है और गोल्ड फिंच बर्ड इस तरीके की बर्ड होती है आप लोग देख सकते हो ठीक है so, सो एक गोल्ड फिंच बर्ड और एक लेबरनम ट्री के बीच में जो एक रिश्ता है उस रिश्ते को यह हमारे सामने लेकर आती है ये पो अब क्या बोला गया है इसमें द ट्री इज येलो साइलेंट एंड डेथ लाइक कोई भी पेड़ पे जान कौन डालता है जो चिड़ियाएं होती हैं जो पंछी होते हैं जो वहां पे रहते हैं ट्री so एकदम येलो है आप लोग देख सकते हो येलो साइलेंस भी सिंबलाइज कर रहा है कि बिल्कुल चुप है एकदम पेड़ है ना ऐसा बिल्कुल डेथ लाइक -like लग रहा है बट उसमें जान कौन डालती है ये जो येलो बर्ड है क्योंकि इसने वहां पर अपना शेल्टर बना रखा है जहां पे वो अपने यंग वंस को फीड करती है ठीक है जी बट एज सून एज द बर्ड लीव बट जैसे ही बर्ड वापस जाती है स्काई में खाना ढूंढने दोबारा से अपने बच्चों के लिए दोबारा से जो पेड़ है वो एक एक बार फिर से डेथ लाइक बन जाता है और इसी के ऊपर ये पूरी की पूरी जो पोम है वो लिखी गई है ठीक है चलो सो so शुरू करते हैं इसको क्या लिखा है दी टॉप इज साइलेंट मैंने आपको बता दिया इसकी इस तरीके का पेड़ होता है अमलताज बोलते हैं और इसकी जो ब्रांचेस है ना वो हैंग करती है ठीक है Quite still in in the the afternoon, yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. So in the above line, poet tree को देखा ठीक है उस tree की जो leaves थी वो yellow थी और जो ट्री का टॉप है यानी कि अगर आप पेड़ को देखोगे कैसे करके तो एकदम शांत लग रहा है एकदम साइलेंट लग रहा है ठीक है और एकदम स्टिल कोई मूवमेंट नहीं हो रही कोई हवा नहीं चल रही बिल्कुल साइलेंट बिल्कुल स्टिल वो पेड़ जो है वो लग रहा है अब आगे क्या है जो महीना है वो भी किसका है सितंबर का महीना है ठीक है सितंबर के महीना है और आफ्टरनून की बात हो रही है ऑटम सीजन है इसलिए जो सीड्स है है ना जो ट्री की सीड्स है वो नीचे गिरी हुई है आपने देखा होगा ऑटम सीजन में जो लीव्स होती हैं सीड्स होती है वो नीचे गिर जाती हैं तो ऑटम सीजन है तो इसलिए सीड्स और लीव्स नीचे गिरी हुई हैं द पोएट हैज पोइट द वर्ड येलो अब पोएट ने येलो वर्ड का यूज किया है लीव्स के लिए सनलाइट के लिए दोपहर को दिखाने के लिए है ना साइलेंस को दिखाने के लिए एक डेथ लाइक साइलेंस को दिखाने के लिए ब्यूटी को दिखाने के लिए इन सब चीजों को दिखाने के लिए येलो वर्ड को बार बार यूज किया है तो एक से से ही उन्होंने पूरे के पूरे के को किया है। है, 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 ठीक दोबारा देखते हैं। बोला गया टॉप एकदम साइलेंट है, एकदम स्टिल है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा आफ्टरनून का टाइम है सेप्टेम्बर का टाइम है, है वो पड़ रही है अब उसके लीव्स भी येलो है और जो सीड्स है वो भी गिर रहे हैं बिकॉज इट इज ऑटम सीजन ठीक है सो आई होप कि ये क्लियर है अब आगे देखो आगे क्या हुआ ध्यान से समझना इसे टिल द गोल्ड फिंच कम्स चिरप। पे गोल्ड फिंच एक तरीके की बर्ड है मैंने आपको बताया जिसके येलो फेदर्स है ठीक है येलो फेदर्स है अभी आपको फोटो भी दिखाई ट्विचिंग क्या है सडनली जर्क मूवमेंट यहाँ से आप देख सकते हो सारे वर्ड मीनिंग्स लिखे हुए तो एकदम से मूवमेंट होना एंड चिरप क्या है बर्ड की साउंड जैसे वो चिर चिर करती है ना तो उसकी साउंड है अ सडननेस अ स्टार्टलमेंट स्टार्टलमेंट मतलब एकदम अमेजमेंट है ना एकदम एकदम सरप्राइजिंग फैक्टर है एकदम चौंका देने वाला फैक्टर है एकदम सडननेस मतलब एकदम जान डाल देने वाला फैक्टर एकदम से एट द ब्रांच एंड देन स्लीक एज अ लिजर्ड एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट अब्रप्ट मतलब क्या होता है बहुत ही तेज बहुत ही रैपिड ठीक

एंड प्रिकॉशंस भी ले रही है अलर्ट क्यों है क्योंकि भाई उसके बच्चे हैं यहाँ पर उसका घोसला है कोई सांप हो कोई दुश्मन हो तो अलर्ट भी है सब देख रही है है ना जैसे छिपकली होती है सो so, लिजर्ट से भी कंपैरिजन किया गया है कि जैसे वो अलर्ट होती है जैसे वो तेज होती है वैसे ही यहाँ पर बर्ड भी है वो आकर ट्री की ब्रांच पे बैठ जाती है अब वो क्या करती है थिकनेस मतलब अंदर मान लो ये पेड़ है ये ब्रांच है तो वो अब क्या कर रही है यहाँ पे आके बैठी अब अंदर है।, अंदर है, तो है अंदर की तरफ जा रही है घोसला अंदर ही बनाया ना उसने जहां पर ज्यादा लीव है जहां पर किसी को दिखे ना थिकनेस में सो वो क्या कर रही रही है है अंदर की तरफ जा द द थिकनेस ऑफ ब्रांच एंड उसके जो बच्चे हैं वो अपनी मम्मी को देखकर चे चे करना शुरू कर देते हैं और अपने विंग्स को भी ऐसे फड़फड़ाना शुरू कर देते हैं ठीक है तो और ये सब आवाज कैसी लग रही है लाइक अ मशीन जैसे मशीन में से आवाज आती है ना बिल्कुल वैसी लग रही है

मैं लाइन बाय लाइन भी बता रही हूँ समझ लो कि भाई टिल द गोल्ड फिंच कम्स डेथ लाइक लाइकियो कब तक रहता है जब तक गोल्ड फिंच नहीं आ जाती वो जैसे ही आती है सो so सडनली वो अपनी आवाज निकालती है ठीक है एक सेटलमेंट एक अमेजमेंट आ जाता है पूरे के पूरे ट्री के अंदर तो ब्रांच के एंड पे आकर बैठती है और फिर बिल्कुल लिजार्ड की तरह जैसे छिपकली होती है एकदम अलर्ट एकदम रैपिड तेजी से वो क्या करती है थिकनेस में जाती है यानी कि है, है. है देते हैं और अपने मतलब अगेन अपने मुंह से आवाज निकाल रहे दिखा रहे हैं कि उसकी माँ के आने पर दे आर वेरी मच एक्साइटेड अब पूरा का पूरा ट्री शेक करने लगता है और उसमें एक एक्साइटमेंट आ जाती है ठीक है जी

तो बिल्कुल वैसे ही इंजन बोला गया है शी स्टॉक्स ना वो फुल करना तो वो अपने मतलब दोबारा से ब्रांच के किनारे पे आ जाती है तो यहाँ अंदर जाती है बच्चों को खाना देती है फिर बाहर की तरफ आ जाती है शोइंग हर बैरिट फेस आइडेंटिटी मास्क सो बैरिट इज वॉट फुल ऑफ स्पॉट्स ठीक क्योंकि यहाँ पर देखो बिल्कुल येलो है ये है ना तो अंदर जाती है तो छुप जाती है तो कोई पहचान नहीं पाता कि कोई है भी राइट तो शायद इसने ये पेड़ चुना बिकॉज येलो और भी येलो है तो दुश्मन पता नहीं लगा पाएगा ठीक है आप केवल इसे शक्ल से पहचान सकते हो क्योंकि ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स है तो वो क्या करती है एक तरीके से मास्क का, का काम करती है तो यहाँ पर अगेन हम लोग एक बार मतलब समझ लेते हैं लिखा है सो लेबर्नम ट्री और गोल्ड फिंच बर्ड क्या है इंजन है क्योंकि लेबर्नम ट्री उनको शेल्टर दे रहा है और बेचारी गोल्ड बर्ड जाकर खाना ढूंढ के, के बाद उसका स्ट्रिप्ड फेस है ना वो अपने को दिखाई देता है क्योंकि उसकी पूरी की पूरी बॉडी जो है वो क्या है वो येलो है एंड वो येलो लीव्स के पीछे छुप जाती है इसलिए उसके फेस को यहाँ पर हाईलाइट किया गया है क्लियर

तो यहाँ पर क्या मतलब है हम लोग एक बार ही समझते हैं लिखा है जब वो दोबारा ब्रांच के एंड में आ जाती है बर्ड मेक्स अ स्वीट साउंड जैसे कि वो अपने बच्चों को बाय कर रही हो तो वो दोबारा से खाना देने के बाद ब्रांच के एंड पर आ जाती है एकदम मान लो ये पेड़ है तो दोबारा से यहाँ पर आ जाती है एक साउंड क्रिएट करती है पीछे अपने बच्चों के लेके मैं दोबारा आऊंगी जल्दी है ना और फिर इन है दोबारा खाने की तलाश में एंड दोबारा से वो लेबरनेम ट्री उसके जाने के बाद साइलेंट और डेथ लाइक हो जाता है गॉट इट सो देयर इज दिस वन थिंग के शुरू में भी साइलेंट है एंड में भी साइलेंट और डेथलाइक है ट्री बीच में जब गोल्ड फिंच बर्ड आती है तब उस पेड़ में कहीं जान आती है ओके okay? चलो लेट्स मूव टू द लास्ट पोम नाउ photograph. इज अ तो अब याद रखना शिरली टॉल्सन ने इस कविता को लिखा है फोटोग्राफ पोम को लिखा है आई होप कि ये चार पोम्स आपको समझ में आई होंगी इनफाइनाइट मतलब क्या होता है इनफाइनाइट मतलब जो कभी ना खत्म हो हम बोलते हैं ना अरे कितना प्यार करते हो इनफाइनाइट जो कभी ना खत्म हो तो sky तो नेवर एंडिंग है ना तो इसीलिए बोला गया है

ओके लेट मी हैव सम वाटर। द टेल ऑफ मेलन सिटी पोम नहीं है बेटा वो वो टेल है। उसे पढ़ेंगे चैप्टर में। ऑल राइट ऑल द बेस्ट जितेंद्र चलो शुरू करते हैं ठीक so, है अपनी मम्मा को, अपनी मम्मी को याद करती है और उनके साथ जो मेमोरीज हैं उनको याद करती हैं ठीक है ठेके? तो उनके पास एक फोटोग्राफ है जैसे हम सब यू नो फोटोग्राफ्स देखते हैं वो मेमोरीज हमारे दिमाग में दोबारा आ जाती है कि अरे तब हम ये कर रहे थे तब ऐसा था तब वैसा था राइट तो फोटोग्राफ बहुत सारी मेमोरीज हमारे सामने लेकर आता है वैसे ही यहाँ पर जो आ, हमारी पोइटेस है वो अपने बचपन में जो मम्मी उनको फोटो दिखाती थी अपनी मम्मी के बचपन की फोटो वो देख रही है और उसे देख देख कर वो अपनी मम्मी को याद कर रही है ठीक है सो हर मदर एंड हर मेमोरीज वाई लुकिंग एट अ चाइल्ड हुड फोटोग्राफ वेन हर मदर वॉज ट्वेल्व ईयर ओल्ड तो एक फोटो है जिसमें उनकी मम्मी बारह साल की है उस फोटो को वो देख रही है शी हैज और को इंसिडेंस है कि फोटो में भी उनकी मम्मी बारह साल की है और अभी जब पोएट देख रही है तो उनकी मम्मी को भी मरे हुए बारह साल हो गए हैं ठीक है शी नॉट एक्सप्लेन हर ग्रीफ ऑन हर मदर्स लॉस और ये बात ही ऐसी है कि वो अपना जो दुख है वो शेयर नहीं कर पाती चलो शुरू करें ऑल राइट right, तो ये फोटो है देख सकते हो ठीक है ये पोएटर्स की फोटो नहीं है उनकी मम्मी की फोटो है तो बीच में कौन है बीच में उनकी मम्मी है ठीक है बीच में क्या है उनकी मम्मी है दोनों तरफ उनके मम्मी के कजिन है तो वो अपनी मम्मी की इसी पुरानी फोटोग्राफ को देखकर इमोशनल हो जाती हैं और उनको याद आ जाती है बहुत सारी चीजें जो वो इस फोम में हमारे साथ शेयर करने वाली है ठीक है चलिए द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज वेन द टू गर्ल कजिन वेंट पैडलिंग पैडलिंग क्या होता है शेलो वॉटर में यू you नो know, जाना एंजॉय करना घूमना Each one holding one holding of my mother's hand and she the big girl some 12 years or so. अब यहां पर क्या मतलब है? Again यहां समझते हैं। तो इन में अब आप लोग देख सकते हो। In this particular line, जो poet है वो एक old photo album को देख रही हैं जो कार्डबोर्ड का बना है पहले के टाइम पर फोन नहीं थे है ना तो फोटोज वगैरह पहले कैसे पे कार्डबोर्ड गत्ते पर प्रिंट होकर वो लोग ऐसे लगाते थे ठीक है अगर आप पहले भी अपने मम्मी वगैरह का टाइम का देखोगे तो मिलेंगी वैसी फोटोज

एंड वो 12 साल की है उस फोटोग्राफ में जब ये पिक्चर लिया गया है तो यही बात यहाँ पर हो रही है ठीक है तो यहाँ पर ये पोइटेस की मम्मा है और ये 12 साल की है इस फोटो में अब उनकी मम्मी की डेथ हो चुकी है बट वो अपनी ये फोटो देखकर मम्मी को याद कर रही हैं कि कैसे उनकी मम्मा ये फोटो देखकर खुश हुआ करती थी ठीक है चलिए आगे देखो ऑल थ्री स्टूड स्टिल स्टिल क्या होता है एकदम ऐसे खड़े हो जाना अब जब हम फोटो लेते हैं तो स्टिल खड़े होते हैं ना यूं या अलग अलग पोज करते हैं राइट तो यहाँ पर भी क्या बोला है कि वो तीनों लड़कियां एकदम स्टिल खड़ी हुई थी स्माइल स्माइल थ्रू थ्रू देयर देयर हेयर हेयर का क्या मतलब है कि जब वो फोटो ली जा रही थी क्योंकि सी हौली, बीच हॉलीडे पे गए थे अब बीच के पास अगर आप खड़े होगे बहुत हवा चलेगी आपके बाल मुंह पर आएंगे है ना सो स्माइल थ्रू देयर हेयर मतलब वो स्माइल कर रहे थे और उनके जो गीले बाल थे वो उनके फेस पे आ रहे थे एट द अंकल विद अ कैमरा और फोटो कॉल ले रहे थे उनके अंकल ले रहे थे से। अ स्वीट फेस, उन्होंने अपनी मम्मी के को प्यारा, उनकी मम्मी खुद बारह साल की है तो वो कहा से पैदा हुई होंगी एंड सी विच अपियस टू अच्छा ये लाइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर कंपेरिजन हुआ है किससे कंपेरिजन हुआ है सी का कंपेरिजन किया है उन्होंने अपनी मम्मी से एंड द सी जो समुद्र है है वो तो चेंज चेंज मतलब कम हुआ है। अगर आप दस साल पहले देखोगे दस साल बाद देखोगे समुद्र समुद्र ही रहेगा राइट वॉश द टेरिबली ट्रांसियंट फीट ट्रांसियंट क्या है मतलब यहाँ पे चेंजिंग टेरिबली मतलब काफी हद तक के यहां पर टेरिबली ट्रांस फीट मतलब कि जो जो फीट साइज है वो चेंज हो रहा है कहने का क्या ठीक है उनकी मम्मी तब बारह साल की थी फिर बड़ी हुई और बड़ी हुई शादी हो गई बच्चों को अब उनकी मम्मी नहीं है तो एक कंट्रास्ट दिखा रही है कि वो समुद्र अभी का भी वही है बट उनकी मम्मा वो इस दुनिया से जा चुकी है ठीक है समझ में आया

कि वो पहले तब जब फोटो ली थी बारह साल के थे यंग थे अब वो ओल्ड हो गए हैं और मेरी मम्मी तो इस दुनिया में भी नहीं है ऑन अदर हैंड कंपेरिजन की है सी के साथ कि बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई वो समुद्र जिन्होंने उनके पैरों को टच किया था वो समुद्र जिसमें वो खेलने गए थे वो समुद्र अभी का अभी भी वही का वही है ठीक है क्लियर नेक्स्ट अब यहां पर देखते हैं सम ट्वेंटी थर्टी इयर्स लेटर अभी यहाँ पर मम्मी की आगे की बात बता रही हैं कि मम्मी 12 साल की थी वो तो ठीक है अब आगे जब मम्मी की शादी हो गई मैं पैदा हो गई तब की बात वो बता रही हैं तो मम्मी क्या करती थी 20 30 साल बाद की बात है कि शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट वो इस फोटो को देख के स्नैपशॉट मतलब इस फोटो को देखकर हंसा करती थी एंड वो मुझे अपने पास बिठाती थी और बोलती थी सी बेटी एंड डॉली शी वुड से माँ बाप ने हमें तैयार किया था बीच हॉलीडे के लिए द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट इम्पोर्टेंट लाइन है बोला गया है की मेरी मम्मी का पास्ट क्या है सी हॉलीडे ठीक है तो मम्मी का पास्ट है सी हॉलीडे और मेरा क्या पास्ट है हर लाफ्टर कि मेरी मम्मी सी हॉलीडे को मिस करती थी वो उनका पास था मैं मेरी मम्मी की हंसी मिस करती हूँ ये मेरा पास्ट है दोनों ही औरतें अपने पास्ट में जाके वो लम्हों को नहीं जी सकती ना पोइट की मरी हुई माँ वापिस आ सकती है एंड ना ही जब मम्मी जिंदा थी तो वो वापिस जा सकती थी उस बीच हॉलीडे पे ठीक है बोथ वे यानी कि एक्सप्रेसिंग डिसअपॉइंटमेंट विद द लेबर्ड ईस ऑफ लॉस यानी कि दोनों ने ही दोनों ही डिसअपॉइंटेड हैं और दोनों ही फीमेल्स ने यहाँ पर कुछ ना कुछ खोया है और दोनों ही क्या कर रही हैं ईस मतलब ये जो लॉस है है ना इससे दोनों ने ही क्या करा है खुद को बहुत एफर्ट मारा है नॉर्मल होने के लिए उनकी मम्मी ने भी बहुत एफर्ट मारा है क्योंकि याद तो आती थी उन्हें फोटोग्राफ देख कर राइट और अभी पोटर्स भी बहुत एफर्ट मारती हैं नॉर्मल होने के लिए क्योंकि उन्हें अपनी मम्मी की याद आती है वो मम्मी जो इस दुनिया में नहीं है क्लियर ऑल राइट सो स्टिल हम लोग एक बार ही पढ़ लेते हैं सो so, लिखा है आफ्टर लेटर वो हंसा करती थी फोटोग्राफ पे और वो मुझे बोला करती थी कि देखो बेटी और डॉली को और कैसे हमारे पेरेंट्स ने हमें तैयार किया था लगता है पहले से ही डिसाइडेड था कि हम इन्हें ऐसे तैयार कर कर ले जाएंगे फॉर द बीच हॉलीडे देन द पोइट रिकॉल द सी हॉलीडे वॉज द मदर्स फेवरेट मोमेंट फ्रॉम द पास्ट उसकी मम्मा का सबसे ज्यादा फेवरेट मोमेंट क्या था सी हॉलीडे एंड यहाँ पे पोएट का सबसे ज्यादा फेवरेट मोमेंट क्या था उसकी मदर का लाफ्टर ये चीज याद रखना ठीक है बोथ द वुमेन वुड थिंक अबाउट दोस पास्ट मेमोरीज दोनों ही सोचते थे अपने पास्ट मेमोरीज को लेके एंड दोनों ही मतलब हम सभी हमारे पास्ट को दोबारा नहीं जी सकते एंड दे ट्राइड देयर बेस्ट टू एडजस्ट टू लॉस्ट अब आगे देखते हैं लास्ट स्टैंजा में नाउ शी बीन डेड नियरली एज मेनी इयर्स एज दैट गर्ल लिव यानी कि जब वो फोटो ली गई थी तब भी मम्मी बारह साल की थी और आज मम्मी को गए हुए भी मेरी जिंदगी से बारह साल हो गए हैं एंड ऑफ दिस सरकमस्टैंड और इस परिस्थिति में इस सरकम में देर इज नहीं है मैं अपने दर्द को बयान नहीं कर सकती इट्स साइलेंस साइलेंसेस दो बार क्यों लिखा है एक साइलेंस है मम्मा जब चली गई है ना मम्मी की डेथ कि ये जो डेथ है ये जो साइलेंस है मेरे आसपास ये जो मैं मेरी माँ की हंसी को दोबारा नहीं सुन सकती इससे मैं भी क्या हो गई हूँ मतलब इस इस सन्नाटे ने मुझे भी चुप कर दिया है ठीक है मेरे पास भी अपना दर्द व्यक्त करने के लिए कुछ भी नहीं है इट सो इन दी लाइन पोइट मेज मदर वॉज इन जब भी वो अपनी मम्मी की डेथ के बारे में सोचती है शी नॉट एक्सप्लेन इफेक्ट शी हैज 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 ऑफ हर हर मदर्स डेथ डेथ मदर राइट लेफ्ट हर स्पीचलेस तो एक साइलेंस है डेथ और एक है डेथ की वजह से जो वो अब स्पीचलेस है सो आई होप दैट दिस इज एब्सोल्यूटली क्लियर ठीक है जी Can I get some sort of response? समझ में आया सबको या नहीं आया ऑल द फाइव पोम्स अब हमारी क्लासेस होती रहेंगी ठीक है मैं बहुत ही जल्द आपके लिए फुल स्नैपशॉट और फुल हॉर्नबिल की भी वीडियोस लाने वाली हूँ फुल क्वेश्चन आंसर्स की भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो लाने वाली हूँ तो जो नेक्स्ट वीक है उसमें एक्सपेक्ट करना कि सारी वीडियोस आप तक आने वाली हैं तो अब लग जाओ मस्त पढ़ाई पे ठीक है ग्रामर की वीडियोस भी आने वाली है राइटिंग सेक्शन के भी तो अब सेशन को लाइव अटेंड करना शुरू कर दो ओके okay? चलो हाँ हिस्ट्री का मैं ट्राई करूंगी कि मैं कल रिकॉर्ड करूँ और मंडे को एक जो आपका चैप्टर है वो मैं भिजवा दूं ठीक है ऑल राइट गाइज सो दैट्स इट प्लीज टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना ताकि आपको क्लासेस का अपडेट मिलता रहे अब रेगुलर लेवल पे हम लोग क्लास इलेवेंथ की क्लासेस को करने वाले हैं तो बिल्कुल भी भूलना नहीं ठीक है प्लीज कॉमेंटमेट क्लास का टाइम मैंने आपको बोला ही है कब हम रह, कब हम रखें ट्वेल्व पी एम फोर पी एम सिक्स पी एम या सेवन पी एम चारों में से कुछ भी बताना एंड एक और चीज बताना कि आपका फाइनल पेपर कब है अगर आपकी डेट शीट नहीं आई तो लिख देना मैम अभी नहीं आई ठीक है तो ये कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि उसी के हिसाब से हम लोग अपने आगे की क्लासेस को प्लान आउट करें ओके okay, जी चलिए थैंक यू सो मच आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास बाय बाय टेक गुड केयर ऑफ योर